मैंने अभी रिकॉर्ड भी नहीं करा था। सहरी है, इफ्तार नहीं है। कह रही है सहरी है, इफ्तार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। और आज है दूसरी सहरी माशाल्लाह से, और हमारे पति ने खाना शुरू भी कर दिया है। तो ये है आलू गोभी की सब्ज़ी, ये है आलू का भुरता, ये है मैगी, ये है अंडा, और ये है चाय, यहाँ है रोटियाँ। तो बस यही है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आप कैसे आलू से रोज़ा रख लेते हो, भाई जिससे पेट भर जाए उसी से रोज़ा हो जाता है। तो बस जो हमें पसंद है वो हम खा लेते हैं, नॉनवेज से हमारा जो है ना पेट नहीं भरता है और वो हमें बहुत परेशान करता है जब भी हम नॉनवेज खाते हैं। तो इसलिए हम इसी तरीके की नफ्तारी करते हैं। ठीक है सर जी, चलो खाना। तो गाइस अब हो रहा है ज़ोहर का टाइम, ज़ोहर की नमाज़ से मैं फ़ारिग हो गई माशाल्लाह से, और मैंने कुरान की तिलावत भी कर ली है। और आज इफ्तार में हम बनाने वाले हैं इडली और सांभर, तो उसकी भी प्रिपरेशन मैंने करके रख दी है। तो मैंने इडली का बैटर जो है, सूजी जो है ना वो मैंने भिगो दी है, इमली भिगो दी है। अब जो है सांभर, उठ के मैं 4 बजे से लग जाती हूँ, तो मैं 4 बजे उठ के सांभर बनाऊँगी और इडली बनाऊँगी। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ। और आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं किसी का कमेंट में जब जैसे रमज़ानों के टाइम पे जवाब नहीं दे पाती हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, रोज़े चल रहे हैं अभी, थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो बस अब हम मिलेंगे आपसे इफ्तार के टाइम, मतलब इफ्तार के प्रिपरेशन में। ठीक है, हेलो गाइस, तो अभी हो रहा है असर का टाइम हो गया है, और आज हम अफ्तारी में अपनी बनाए हैं हमने फ्रूट चाट और इडली सांभर। बड़ा ही मन था तो मैं सोचा चलो क्यों ना इसको करा जाए। तो बस अब मैं इडली बना रही हूँ, सांभर अभी मेरी बन रही है। आज थोड़ा सा लेट हो रहा है और आज फ्राइड आइटम कुछ भी नहीं है। मैं तो फोटो खींचू ना मेरा अच्छा। हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? अभी हम लोगों ने वीडियो शूट करा था, तो खैर मेरी तो अभी थोड़ी तबीयत ठीक हो रही है, बेटर हो रही है ना मम्मी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अफू की तबीयत भी माशाल्लाह से अभी काफ़ी ठीक हो रही है। हाँ। तो वो ये मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन हम ले रहे हैं, कभी कुछ खाए नहीं जाते तो कुछ पी लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, ऐसा चल रहा है अभी। तो खैर अभी इन लोगों को कुछ डाइजेस्ट स्पेशली रात को नहीं हो रहा था, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है। और मैंने अपना कल का वीडियो जो है ना देखा, उसमें मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है, जब रोज़ा होता है ना तो आवाज़ इसी तरीके से। और मैं ना बात भी बहुत कम करती हूँ, अपनी ना एनर्जी सेव करके रखती हूँ क्योंकि पूरा दिन चलने का होती है। तो बस अभी हम मिलेंगे आपसे अफ्तार के टाइम पर। ठीक है, अच्छे थे मैंने आज भाई जी बता रहे दूसरे वाले लेकर आए ना, वो 250 रुपये का एक डब्बा। अच्छा हाँ, नहीं हमें ऐसी पसंद आता चिकन चिकन। हाँ वो, और ये देखना मुंह में जाके ना घुल जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर मिनाज भी आ चुकी है अफ्तार के लिए, हमने बुला लिया है। और आज हमारी अफ्तारी में है फ्रूट चाट, इडली, सांभर, ब्रेड पकौड़े, और ये मिनाज के घर से अपने घर से लेकर आई है फ्रूट चाट और खजूर अफ्तारी। या अफ्तारी लगे अच्छा। ओह मैडम देखो कितने आराम से हैं, अल्लाह कितना काला आ रहा है इधर, सही है। तो खैर से आज का दूसरा रोज़ा भी कंप्लीट होता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, दूसरा रोज़ा भी हो गया है और सहरी की तैयारी है। सहरी नहीं करेंगे अभी तो फ़िलहाल, मैं पीऊँगी चाय, चाय के बाद मैं पढ़ूँगी इशा की और उसकी क्या बोलते हैं, हेलो एक सेकेंड, तराबियाँ, सॉरी मैं तराबियाँ पढ़ूंगी ईशा की नमाज के बाद में। तब तक फिर भाई जी भी आ जाते हैं, और फिलहाल मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, मैंने सोचा चलो थोड़ी चाय बनाती हूँ। भाई जी को चाय खाना खिला के भेज दिया है, और हम तो सिर्फ खाली चाय पियेंगे अभी। और छोटा कप है आज, वरना मैं छोटे कप में लेती नहीं हूँ, लेकिन छोटा कप इसलिए है ना क्योंकि खैर से चाय पी चुके हैं, मतलब चाय नहीं पी, तो गाइज़
माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा भी होता है कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। दूसरे रोज़े को भी हमने पार कर लिया, अल्लाह पाक बस सारे रोज़े ऐसे ही कबूल कराए और पार कराता रहे। मेरे को ना सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना रोज़ों में, मुझे किस किस को बताना, मुझे तो ना डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। हालांकि डिहाइड्रेशन के लिए मैं नारियल पानी भी पी रही हूँ और इलेक्ट्रोजल भी पी रही हूँ, बट आप मेरे होंठ देख सकते हो, ये मैंने ना अभी तक मैं 5 गिलास पानी पी चुकी हूँ इफ्तार से लेकर, अब 9 बज रहे हैं। दिया बेटा स्लिप पे रख दो प्लेट, मिल गई थी आंटी जी। तो मैं बता रही थी डिहाइड्रेशन, मैं 5 गिलास पानी पी चुकी हूँ बट अभी भी डिहाइड्रेशन मेरा बहुत ज़्यादा है। अच्छा कोई कोई कुछ उपचार हो तो मुझे बताना आप लोग क्या और कर रहे हो पानी की कमी को दूर करने के लिए। मैं तो बहुत कुछ कर रही हूँ, मैं अपने होठों को लिटरली देख, और पता है पूरा दिन ना मैं शीशा भी नहीं देखती हूँ। रमज़ानों में मैं बिल्कुल भी शीशा देखना पसंद भी नहीं करती हूँ, ना ही इतना वक्त होता है कि मैं शीशा में वैसे भी बहुत कम देखती हूँ। जब मैं तैयार होती हूँ ना मैं तभी मिरर को देखती हूँ। अभी मैं कैमरे के अंदर अपने आप को देख रही हूँ तो होठ काफ़ी ज़्यादा ड्राई से लग रहे हैं, बहुत खुशक हो गए हैं और बोला भी नहीं जा रहा है। खैर यही हमारे अल्लाह की शान है कि हम इतने, मतलब शुगर पेशेंट भी इतने घंटों भूखा रहता है, फास्टिंग करें तो काफ़ी लंबी फास्टिंग हो जाती है। हालांकि कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में सब कुछ खाते रहना चाहिए शुगर वाले पेशेंट को, बट वो अल्लाह की शान है जो कि बस मेरे मौला का क्या ही कहना है। गाइज़ आप लोगों से दुआ की फिर से दरख्वास्त है, मैंने आप लोगों से कहा था कि नाज़िया के लिए दुआ कीजिएगा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहले से थोड़ी सी बेहतर है, बट अब आप मेरी लिबा के लिए दुआ कीजिएगा। मेरी लिबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिबा आप जानते हैं जुमजुम वर्ल्ड की मैडम जो है, यानी कि बुलबुल की बेटी की जो तबीयत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लिबा बहुत ज़्यादा ही बीमार है, मुझे भी आज सुबह सहरी में ही मैसेज आया था और मुझे ये बात जो है ना इनायत ने बोल दिया कि मम्मा लिबा के लिए दुआ करना वो बहुत बीमार है। मुझे लगा उसने कोई थंबनेल वगैरह देख लिया होगा, मुझे लिटरली नहीं पता था कि लिबा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। वो तो अभी हम इफ्तार के वक्त डिस्कस कर रहे थे तो मेनाज ने बताया, मैं डर गई, मैंने अभी बुलबुल को कॉल करा फिर पूछा तो काफ़ी तबीयत उसकी ख़राब, उसके पेट में बहुत दर्द होता है। तो बस अब इसकी दवाइयाँ चल रही हैं, बस अल्लाह पाक सब पे रहम और करम करे, बुलबुल की पूरी फैमिली पे, हम सब की फैमिलीज़ पे रहम और करम करे। अल्लाह ताला कोई अगर हमसे भूल हो जाए तो अल्लाह पाक प्लीज़ उसे भी माफ़ कर देना। बाकी मेरे भी घर में बच्चे दोनों बीमार हैं, इनायत ने आज जाके कुछ खाया है, परसों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। आज जब मैंने इडली सांभर बनाया ना तब इनायत ने अपना पूरा कंप्लीट कराया, फिर आज उसको थोड़ा सा बटर मिल्क भी पिलाया, मतलब उसको छाछ का मन हो रहा था तो मैंने कहा चल पी ले, हालांकि खांसी हो रही है लेकिन इसने कुछ चीज़ बोली, मैंने कहा पी ले बेटा जो तेरा मन करे ना वो तो वो खा पी ले बट ठीक हो जा, बच्चों का यही रहता है। तो गाइज़ हम सब के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला तू सबको हिम्मत दे, अल्लाह ताला तू सबके घरों में शिफा दे, अल्लाह ताला जो बीमार है उनको शिफा दे, या अल्लाह जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दे दे। और इन रमज़ान के माह रमज़ान में बरकतों वाला महीना है, इसके अंदर बस अपनी इबादत में लगाए रखा, आमीन सुम आमीन। चलो जी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा है आई नो, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। और आज जो है ना एंडिंग भाई जी से नहीं ले रही हूँ, भाई जी गए हैं तरावी पढ़ने के लिए, हम मेरा भी टाइम हो रहा है, चाय भी ठंडी हो रही है, तो आ जाइए चलिए जी, मिलते हैं आपसे कल की सहरी में, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी तो मैंने वीडियो का एंड कर चुकी हूँ बट मैं इसके बाद एक क्लिप ऐड करना चाह रही हूँ जो कि अल्फिया ने शूट करी है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा और मज़े कीजिएगा। अल्फिया की फ़र्स्ट व्लॉगिंग है जो उन्होंने करी है, उभरते हुए सितारे हैं, मैं ईशा की नमाज़ में थी तब अल्फिया ने ये व्लॉग शूट करा है आप लोगों के लिए, तो अपने लिए कर रही थी वो कुछ भी, तो आप लोग इन्जॉय करो और देखो उस व्लॉग को कि अल्फिया ने कैसे शूट किया है, और अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं हूँ अल्फिया खान, और आज ना पूरा मौसम ख़राब हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, कुछ भी करते हैं तो होता नहीं है। पापा आ रहे हैं ना, मैं रात खेल के शोर के वहाँ पर आई गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जहाँ पे आप सो रही है आपके पापा नमाज पढ़ रहे हैं ना। हाँ तो हम ना आज कुछ भी करते हैं तो ऐसे ही वैसे करते रहते हैं, मतलब मुझे ख्याल आया कि अब से वीडियो नहीं बनाया, तो मैं वीडियो बना तो मैं वीडियो बना रहा है।
आज से हमारा वीडियो होता है ख़त्म। आप इसको लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, इसको शेयर करेगा। तब तक ले बाय। आइए देखिए मम्मा पानी के लिए कितना। मम्मा बाय कर दो। बाय।